आज का दोबारा एक मतलब आपके सामने फिजिक्स का पहला सबक पढ़ा जाएगा। उसको आप अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से लिखा जाता है और उसकी बनावट कैसी है। इसमें पहला सबक है पर से लेकर सर तक का हिस्सा है, तो उसमें पहला हर किस तरह से लिखा जाता है इसकी मशक होगी, ध्यान से देखें। पहला हर्फ है ओ और वो ऊपर से नीचे की तरफ, वो ऊपर से नीचे की तरफ। दूसरा हर्फ है सीधे तरफ से लेकर उल्टा, दाएं से लेकर बाएं की तरफ, सीधे से लेकर उल्टे की तरफ, इस तरह से उसकी शक्ल बनेगी। और उसके नीचे एक नुक्ता है उसको हम पढ़ेंगे ब। तीसरा हर्फ है इसी तरह से, उसकी भी लिखने की बनावट एक जैसी है और उसके अंदर नुक्तों का फर्क है, उसके लिए नीचे तीन नुक्ते देंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे पो। इसको हम क्या पढ़ेंगे, पो पढ़ेंगे। चौथा हर्फ है तो शक्ल इसी तरह से रहेगी और इसके अंदर दो नुक्ते जो है वो दरमियान में रहेंगे, इसको हम पढ़ेंगे तो। उसके बाद है अगला हर्फ, इस तरह से शक्ल रहेगी जैसे बड़ी बनाएंगे, उसके अंदर एक नुक्ते की जगह पर दूसरा दूसरी अलामत होगी जिसे ट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, ट कहेंगे। और इसको पढ़ने का किस तरह से ट, क्या पढ़ना है इसको, ट पढ़ना है। और पहले सवाल का आखिरी हर्फ है ब की तरह की बनावट होगी और उसके अंदर तीन नुक्ते होंगे, इसको हम पढ़ेंगे स। क्या पढ़ेंगे इसको, हम स पढ़ेंगे। पहला है ओ, दूसरा है ब जिसके अंदर एक नुक्ता है और वो नीचे, तीसरा हर्फ है ओ उसके नुक्ते तीन और वो भी नीचे। उसके बाद का हर्फ है त और उसके लिए दो नुक्ते उसके बराबर दरमियान में ऊपर से। उसके बाद में अगला हर्फ है ट, इसके अंदर एक निशानी है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ट पढ़ेंगे। और पहले सवाल का आखिरी हर्फ स, इसको शक्ल इस तरह से और उसके बराबर तीन नुक्ते। ये हमारा क्या हो गया, आज का पहला सवाल हो गया। इसकी मश रहेगी दोबारा है मतलब आपके साथ पढ़ाया गया, इसको ध्यान रखेंगे और अपने बयास में जिस तरह से हिदायत दी गई है उन बयासों के अंदर तरतीब से लिखेंगे, अकेले निबड़ के घर वालों के निगरानी में लिखेंगे। उसके बाद वाले हर्फ में दूसरा सब जो था आपका, ये पहला उसमें का हर्फ है जो, क्या है पहला हर्फ है ज, उसको लिखा किस तरह से गया है यहाँ पर आपके सामने निशान के जरिए बताया गया है। इस तरह से ज लिखेंगे। दूसरा हर्फ है इसके आगे सबक, दूसरे सबक का दूसरा हर्फ इस तरह से शक्ल, उसके नीचे तीन नुक्ते दिए जाएंगे, इसको हम पढ़ेंगे च। क्या पढ़ेंगे इसको, च पढ़ेंगे। उसके बाद का दूसरे सबक का तीसरा हर्फ इस तरह से शक्ल पढ़ेंगी मगर उसके अंदर कोई नुक्ता न होगा, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे ह। क्या पढ़ेंगे, हम ह पढ़ेंगे। इसके बाद का हर्फ है शक्ल इस तरह से रहेगी और इसके ऊपर नुक्ता है, इसके ऊपर नुक्ता है सर के ऊपर, इसको हम पढ़ेंगे ख। क्या पढ़ेंगे उसको, हम ख पढ़ेंगे। उसके बाद का अगला हर्फ है द, क्या पढ़ेंगे हम इसको, द। उसकी लिखने की बनावट
तरीका इस तरह से आकर प्रवर्ण है, उसके बाद क्या होता है शक्ल इसी तरह से रहेगी और उसके ऊपर एक निशानी है इस तरह से रहेगी, उसके बाद में आखिरी हर्फ है तुम्हारा ज, उसके सवाल का आखिरी हर्फ है ज, उसके सर पर एक नुक्ता इस तरह से हम पढ़ेंगे ज। तो इस तरह से तुम्हारे दो सवाल मुकम्मल हो गए। अब रहा तीसरा सवाल, तो ये तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल को किस तरह से लिखा जाता है आपके सामने यहां पर बताया जाएगा। ये तीन हर्फ दूसरे सवाल में आ चुके हैं, मगर ये तीसरे सवाल में इसलिए लिया गया कि इन इन हर्फों के अंदर उनके और आने वाले नए हर्फों के अंदर क्या फर्क है दोनों के अंदर, ये बताने के लिए दोबारा इन हर्फों को लिया गया। दोबारा एक मतलब लिखेंगे उनको दो दो जो अभी नई है तीसरे सवाल के अंदर के नई है उसको किस तरह से लिखा जाता है ध्यान देंगे। यहां पर ऊपर की लकीर छोटी नीचे की लकीर लंबी होगी, ऊपर की लकीर छोटी होगी और यह नीचे की लकीर लंबी होगी। इस तरह से हम क्या पढ़ेंगे इसको र पढ़ेंगे। उसका अगला अर्थ है ड, क्या पढ़ेंगे उसका ड, इस तरह से उसके ऊपर एक शक्ल रहेगी ड। उसके बाद क्या अर्थ है शक्ल इसी तरह से रहेगी सिर्फ लकीर लंबी खींचेंगे और उसके ऊपर एक नुक्ता देंगे, क्या करेंगे एक नुक्ता देंगे जिसको हम क्या पढ़ेंगे ज, क्या पढ़ेंगे उसको ज। और तीसरे सवाल का आखिरी हर्फ है इस तरह से उसके ऊपर तीन नुक्ते आएंगे, कितने नुक्ते आएंगे तीन नुक्ते आएंगे, इसको हम पढ़ेंगे ज, क्या पढ़ेंगे उसको ज पढ़ेंगे। इस तरह से ये तीन अजबा आपको पढ़ाए गए थे, दोबारा इसकी मशक ली गई और इसके बाद क्या होगा आपके सामने चौथा सवाल होगा, वो चौथा सवाल किस तरह से लिखा जाता है इसकी आपके सामने तैयारी किस तरह से लेना है इसकी मशक ली जाएगी, इसको ध्यान में रखें और इसको अपनी बयाज में तरतीब से सफाई के साथ मुकम्मल करें। एक सफे एक सफे पर पहला सबक, दूसरे सफे पर दूसरा सबक और तीसरे सफे पर तीसरा सबक, दो हरफों के दरमियान में थोड़ा सा खाली जगह रखकर लिखे, मिला मिला कर न लिखे। ये हो गए ना तीन अजबा की आपकी मश, इसकी आप अच्छी तरह से तैयारी करें। अस्सलाम वालेकुम।